नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेंट्रल। देश में बीमा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। सरकार, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा और बीमा कंपनियां तीनों ही एक्टिव हैं। नियम और कानून के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कई सारे सुधार हो रहे हैं, कई नए नियम जोड़े जा रहे हैं, साथ ही बाजार में हर दिन नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं। तो इन सब से आपको अपडेट रखने के लिए हम लेकर आते हैं इंश्योरेंस सेंटर। लेकिन इसके अलावा आज हम फोकस आपके पेंशन पर भी करने वाले हैं। न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS, इसे लेकर बहुत ऊहापोह है। कई राज्य इससे मुंह फेर चुके हैं। क्यों मुंह फेर रहे हैं, क्या किया जा सकता है NPS में ऐसा कि लोग इसकी ओर आकर्षित हों, समझें इसकी इम्पोर्टेंस को, तो आज इंश्योरेंस सेंट्रल में यही सारी बातें होने वाली है। रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे आपको मदद करती है लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान खरीदने में और ये किन लोगों के लिए उपयोगी है। चालान कटने पर ऑन स्पॉट ऑटो इंश्योरेंस लाने की तैयारी जोरों शोरों पर। सरकारी कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है न्यू पेंशन स्कीम, इसे कैसे बनाया जाए आकर्षक, इस पर बात करने वाले हम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। लेकिन सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं इंश्योरेंस जगत की वो बड़ी खबरें जो आपकी जेब पर असर डालती हैं और आपको ये खबर जाननी चाहिए। ऑटो इंश्योरेंस में बड़े बदलाव की तैयारी। बिना बीमा वाले वाहनों को ऑन स्पॉट कवर देने पर चल रहा है विचार। चेकिंग में पकड़े जाने पर मौके पर ही दिया जाएगा बीमा कवर। ऐसे लोगों से वसूला जाएगा पैसा वहीं ऑन द स्पॉट। फास्टैग के जरिए प्रीमियम लेने की है तैयारी। देश में अभी बिना बीमा के दौड़ रहे 50% वाहन, इन वाहनों को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा थर्ड पार्टी कवर। मानसिक रोगियों को भी मिल सकता है हेल्थ बीमा। बीमा नियामक इरडा ने आदेश जारी कर दिया है। बीमा कंपनियां अलग से लॉन्च करें स्पेशल बीमा प्रोडक्ट। HIV और एड्स पीड़ितों के लिए भी पेश किए जाए प्लान। वैसे पहले भी इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन बीमा कंपनियों ने इसे नजरअंदाज किया है। इस बार इरडा ने एक बार फिर से सख्ती से आदेश दिए हैं। नीवा बुपा का नया हेल्थ प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है। रीअश्योर ट्यूब 2.0 प्लान, निश्चित अवधि तक क्लेम ना लेने पर स्पेशल डिस्काउंट। कंपनी का दावा, अपनी तरह का ये पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। लॉक इन पीरियड के साथ प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। लंबी अवधि में ग्राहकों को बड़ी बचत का विकल्प दे रहा है। कमाए गए हेल्थ पॉइंट पर प्रीमियम में 30% तक डिस्काउंट। अस्पताल में 2 घंटे भर्ती रहने पर भी कवरेज। HDFC लाइफ लेकर आई है गारंटीड रिटर्न प्लान। रेगुलर टैक्स फ्री बेनिफिट और गारंटीड डेथ बेनिफिट इसमें शामिल होगा। बीमा सुरक्षा और लॉन्ग टर्म सेविंग्स का इसमें डबल बेनिफिट मिलने वाला है। पहले साल के प्रीमियम पर स्पेशल डिस्काउंट भी। पुरानी पेंशन स्कीम अपना सकेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। हर महीने गारंटीड इनकम का भी इसमें लाभ है। ये लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति किसी पद या रिक्त के लिए एवज में की गई थी, जिसे NPS की अधिसूचना की तारीख से पहले नोटिफाई किया गया था। बढ़ती महंगाई के बीच हेल्थ इंश्योरेंस की मल्टी ईयर पॉलिसी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। आप एक बार बीमा प्रीमियम भरते हैं और साथ में आप 3 साल की या 2 साल की छुट्टी कर लेते हैं बीमा प्रीमियम देने से। लेकिन क्या आपको ये प्लान खरीदना चाहिए, इसके क्या है फायदे नुकसान, समझिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बाद हॉस्पिटल का खर्च तेजी से बढ़ा है। क्लेम बढ़ने पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहा है। इस महंगाई को मात देने के लिए मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक अच्छा विकल्प है। आमतौर पर ये पॉलिसी 3 साल के लिए होती है, जिसमें बीमा धारक को एक मुश्त भुगतान करना होता है। इस एवज में बीमा कंपनियां प्रीमियम में 10-15% तक की छूट देती हैं। इससे लंबी अवधि में पैसे की अच्छी खासी बचत हो सकती है। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो हर साल रिन्यू करने के झंझट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं कराने पर परिवार की सेहत का सुरक्षा कवर टूट जाता है।
कीमत के लिहाज से मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी आसान रहती है। इससे आप सालाना प्रीमियम की बढ़ोतरी को मात दे पाते हैं। सालाना प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कंपनियां पॉलिसी के रिन्यूअल के वक्त कीमत बढ़ा देती हैं। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हेल्थ बीमा का प्रीमियम भी बढ़ता है। भारत में सालाना मेडिकल इन्फ्लेशन यानी हर साल मेडिकल पर होने वाला खर्च औसतन 10-15% महंगा हो जाता है। इस महंगाई का असर ये होता है कि अस्पताल से लेकर बीमा कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। लेकिन मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी में आप पूरे टेन्योर के लिए एक ही बार पैसा देते हैं, ऐसे में प्रीमियम में वृद्धि के बोझ से भी आप बच जाते हैं। कोरोना के बाद जब बीमा कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाया, तब मल्टी ईयर पॉलिसी वालों पर असर नहीं पड़ा था। प्रीमियम में बचत के अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मल्टी ईयर पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को प्रीमियम में कंपनियां 15% तक का डिस्काउंट भी देती हैं। मल्टी ईयर पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किश्तों में किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही 3 साल का प्रीमियम चुकाएं। आप प्रीमियम के पेमेंट के लिए सालाना, छमाही या तिमाही विकल्प चुन सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत हर साल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम पर 25,000 रुपए की छूट मिलती है। मल्टी ईयर पॉलिसी में अगर आप एक ही बार 3 साल का प्रीमियम अदा करेंगे तो इस प्रीमियम को 3 टुकड़ों में बांटकर 3 साल तक छूट ले पाएंगे। 60 साल तक की आयु के लोग हर साल 25,000 तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 60,000 रुपए के प्रीमियम के साथ पॉलिसी ली है तो हर साल आप 3 साल तक 20,000 रुपए की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की आयु 60 साल से ज्यादा है तो 80D के तहत 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। मल्टी ईयर पॉलिसी में पोर्टिंग का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आप कंपनी से नाखुश हैं, तो दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट नहीं करवा पाएंगे। यानी आपने जितने साल का बीमा खरीदा है उतने साल तक आपको उसी कंपनी के साथ बंधे रहना होगा। इसी तरह अगर बीमा कंपनी की प्रीमियम की कीमतें घटती हैं, तो भी आप वही प्रीमियम अदा करेंगे जो पहले से तय है। हालांकि बीमा प्रीमियम में कटौती की संभावना बहुत ही कम होती है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि मल्टी ईयर पॉलिसी खरीदने से पहले क्लेम सेटलमेंट के मामले में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। कंपनी को मिले क्लेम की तुलना में कंपनी ने कितने क्लेम अदा किए, क्योंकि इस पॉलिसी में पोर्टिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए कंपनी का क्लेम निपटान रेशियो परखना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही 3 साल की पॉलिसी में किस बीमारी को कितने वेटिंग पीरियड के बाद कवर किया जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। इंश्योरेंस सेंट्रल में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं निवेश टैक्स सलाहकार बलवंत जैन जी। बलवंत जी, स्वागत है आपका। अभी हमने एक स्टोरी दिखाई मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी की। लोगों को ये इसलिए पसंद आती कि उन्हें लगता है एक बार प्रीमियम देके आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं एज ए टैक्स एक्सपर्ट, एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आपसे समझना चाहूँगी, आप ये रिकमेंड करते हैं और क्यों आपको ये अच्छी लगती है या नहीं लगती है, किन पॉइंट्स पर? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि मल्टी ईयर पॉलिसी खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का ही प्रीमियम मिलता है या कोई विशेष कंसेशन मिलता है। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उतना ही ये कंसेशन मिलता है। तो मेरे हिसाब से मल्टी ईयर पॉलिसी खरीदने में कोई फायदा नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक है और आप टाइम पे अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो रिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है, सेक्शन 80D के हिसाब से अगर आप 1 साल से ज़्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो आपको उस साल में पूरे के पूरे प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 1 साल का ही डिडक्शन 1 साल में मिलेगा। और जो प्रीमियम आपने इस साल भरा है, भले 3 साल के लिए भरा है, 2 साल के लिए भरा है, वो उन सालों के इनकम टैक्स रिटर्न में ही आप क्लेम कर पाएंगे। ओके, तो आप रेकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी क्या सलाह होती है, इसे शामिल करें या नहीं करें? क्योंकि लोग हमेशा, कंपनियां भी कहती हैं इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ 3-4 हज़ार का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, एक साथ आप मल्टीपल ईयर के लिए खरीद लेते हैं।
मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई जो डिस्काउंट है वो सब्सटेंशियल नहीं होता है। ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंटेड सा जवाब बलवान जी का। अगर आप रेगुलर हैं, आप प्रीमियम समय पर भरते हैं, ऐसी आदत है, और नहीं है तो ऐसी आदत ही रखिए। एक साथ 3 साल का खरीदने में ऐसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नहीं हो रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि इसे ज़ोर शोर से सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन ये पेंशन स्कीम उम्मीद के अनुरूप उतनी सफल नहीं रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने NPS को छोड़कर पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया है। NPS से सरकारी कर्मचारी क्यों छुटकारा पा रहे हैं, क्या बदलाव किए जाने चाहिए, PFRDA के लेवल पर इसमें किस तरह के अटेंशन की जरूरत है इस प्लान में, इस पर हम और तफसील से बात करते हैं। मेरे साथ बलवंत सर जुड़े हुए हैं। बलवंत सर, सरकार ने NPS का जो लॉन्च किया था, इतना ब्लू बॉय आईड बॉय था, काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसे लॉन्च किया गया, बोला गया आपके पेंशन पाने का एक ये सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, लेकिन वैसे इसे उतने ल्यूकवॉर्म सा ही रिस्पॉन्स मिला है, उतनी सफलता नहीं मिली है, क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, ऐसा सबसे बड़ी वजह तो जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो जिनको पेंशन मिलती है, फिक्स पेंशन मिलती है उनके सैलरी के बेसिस पे, तो उसमें उसका जो पेंशन की राशि जो है वो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आप जब रिटायर होते हैं उस समय आपकी क्या सैलरी है उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिलती है। पर NPS में क्या है, आपका जितना कंट्रीब्यूशन होगा और उस कंट्रीब्यूशन के पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आएंगे और उसके हिसाब से क्या कॉर्पस इकट्ठा होगा उसके बेसिस पे आपको पेंशन डिसाइड होगी, तो इसमें वो सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा एक मेन कारण है कि आपको जो कॉर्पस इकट्ठा होता है उसमें से 60% ही आपके हाथ में टैक्स फ्री आता है और 40% की आपको मैंडेटरीली इंश्योरेंस कंपनी से खरीदनी पड़ती है। और वैसे सबको मालूम है कि जो एन्यूटी है वो लो रिटर्न प्रोडक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से तो जो इन्फ्लेशन जितना है उससे भी कम रिटर्न आता है। और जब ये एन्यूटी आपको जिस साल में मिलेगी उस साल में टैक्सेबल हो जाती है, तो यह कुछ कारण है जिसकी वजह से यह अपील नहीं कर पाई। और यही हाल हम देख रहे हैं राज्य सरकारों का भी है, वहाँ के कर्मचारी भी NPS का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, इन सब ने जो है एक तरह से कहा कि उन्हें पुरानी पेंशन सिस्टम में बहाल किया जाए। आप क्या राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के लिए भी आप इसे देख रहे हैं, उनके मन में भी यही वाले सवाल हैं? देखिए, राज्य सरकारों का जो डिसीजन है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इफेक्टिवली आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं और मतलब तो आप फ्यूचर जनरेशन का जो पैसा है फ्यूचर जनरेशन से बोरो कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारें फ्यूचर में जब भी पेंशन की लायबिलिटी आएगी तो उतनी बराबर से डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी। और यही वजह थी NPS को शुरू में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस करने की कि भाई आप अपना पैसा जितना डालोगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जो लोगों का डर है कि भाई हम जितना पैसा हमारे हम जितना निवेश करेंगे उस हिसाब से मिलेगा, दूसरा पॉइंट आपने बताया कि टैक्सेबल पेंशन जो मिलेगी 40% वो टैक्सेबल होगी, ये डर कितना वाजिब है, क्या किए जाने की ज़रूरत है? बीच में हमने देखा कि सरकार इस पर काफ़ी लंबे समय से गारंटीड रिटर्न की भी बात कर रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वो बातें उड़ती हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या गारंटीड रिटर्न इसे और अट्रैक्टिव बना सकता है? देखिए, ऐसा है कोई भी चीज़ में अगर गारंटी लेने जाओगे तो वो गारंटी की कॉस्ट आती है। अब वो PFRDA ने जो कोई इंडिकेशन दिया है कि हम मई जून के आसपास कोई गारंटी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो गारंटी कोई 4-5% से ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है। तो जो गारंटी स्कीम वो प्रपोज कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि जो 5% के आसपास गारंटी है और अगर मार्केट रिटर्न उससे ज़्यादा आएगा तो वो आपको मिलेगा, मतलब वो हायर ऑफ टू है। तो वैसे 5% है जो गारंटी दे रही है गवर्नमेंट या जो PFRDA दे रहा है, वो मेरे हिसाब से उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अभी तो बात ही चल रही है ना, अभी मिलना तो शुरू नहीं हुआ ना ये गारंटीड रिटर्न। ये तो एक्चुअली जब जो आप जो ये जो प्रोडक्ट जब बाहर आएगा
उसके क्या फीचर है, उसके बाद में ही सही ढंग से तो कमेंट किया जा सकता है। जो परंतु जो उन्होंने इंडिकेटिवली बोला है कि 5% के आसपास गारंटेड रिटर्न हो सकता है उस प्रोडक्ट का, तो मेरे हिसाब से 5% गारंटेड प्रोडक्ट तो वही वैसे ही जो बेसिकली इंश्योरेंस के एन्यूटी प्रोडक्ट वगैरह है या दूसरे जो एंडोमेंट प्रोडक्ट वगैरह है उसके बराबरी का है। तो मेरे हिसाब से यह ज़्यादा अपील नहीं कर पाएगा लोगों को। आपको क्या लगता है बलवंत सर, इसको ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और निवेश करें, उसके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है एनपीएस में? मेरे हिसाब से सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि कहाँ निवेश करना चाहिए, वो डिसीजन जो है वो सब्सक्राइबर के डिस्क्रेशन पे छोड़ देना चाहिए। आप उसको जबरदस्ती बांध के 40% इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी खरीदने के लिए बोलते हैं, वो गलत बात है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो निवेश करें तो आप उनको मल्टीपल चॉइसेस दे दीजिए कि भाई आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी प्रोडक्ट में या जैसे इंडेक्स फंड वगैरह है उसमें आप इन्वेस्ट करिए जैसे 40%, और कुछ लॉक इन पीरियड रख दीजिए या कोई लिमिटेड विड्रॉल का ऑप्शन दे दीजिए जो जैसे एन्यूटी में है, क्योंकि एन्यूटी बहुत बहुत लो रिटर्न प्रोडक्ट है। ओके, तो आपको लग रहा है कि एग्जिट रूल्स को अगर थोड़ा सा और इस तरह से मोल्ड किया जाए कि लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो 40% राशि को कहाँ निवेश कर सकते हैं, ना कि एक एन्युटी में बांध करके उन्हें लो रिटर्न के प्रोडक्ट से बांधा जाए। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एनपीएस का निवेश आप किन लोगों को कहते हैं कि उन्हें करना चाहिए, रेकमेंड करते हैं, और इसमें एक ऑटो और एक्टिव चॉइस का भी एक ऑप्शन होता है, ये क्या होता है, ये किसे ऑप्ट करना चाहिए, आप किसे रेकमेंड करते हैं? देखिए कि पहले तो जैसे एनपीएस किसको लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर इसको अट्रैक्टिव बना दे एग्जिट रूल वाइज, तो जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिनको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह मेजर नहीं मिलने वाला है, उनको एनपीएस ऑप्ट करना चाहिए। क्या होता है कि आप कुछ जबरदस्ती या सिस्टमेटिक तरीके से सेविंग करेंगे, फोर्स सेविंग करेंगे, तो आपको आपका रिटायरमेंट सुधर जाएगा, रिटायरमेंट के लिए आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा। जहाँ तक आप जो दो प्रकार की चॉइस की बात कर रही है, एक ऑटो चॉइस है, एक एक्टिव चॉइस है। ऑटो चॉइस में भी तीन कैटेगरी है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है, परंतु आप मैक्सिमम 75% इक्विटी डाल सकते हैं और बाकी जो 10% 15% जो कॉरपोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो चॉइस में क्या होगा कि 35 साल तक की उम्र तक तो जैसे ये 75% मैक्सिमम है, वैसे आप दूसरे मॉडरेट में जाएंगे तो 50 है, कंजर्वेटिव में जाएंगे तो 25% इक्विटी का जो कंपोनेंट है मैक्सिमम परमिसेबल है, और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाता है। परंतु अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो आप 75% से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, परंतु आपको यह कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग थोड़े लेथार्जिक है और जिनको मार्केट मूवमेंट का आइडिया नहीं है, इक्विटी कैसे बिहेव करती है, उनको जो ऑटो चॉइस है वो ऑप्ट करनी चाहिए। परंतु जो लोग मार्केट को समझते हैं वो लोग एक्टिव चॉइस के लिए जा सकते हैं। साथ ही में बलवंत सर, इसमें टियर वन और टियर टू दो तरह के अकाउंट्स भी होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और ये किस तरह से काम करता है एनपीएस टियर वन और टियर टू? देखिए प्रियंका, जो एनपीएस का जो मेन अकाउंट है वो टियर वन अकाउंट है, जो आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह जो मिलते हैं या जो आपका पैसा रिटायरमेंट के लिए जो एक्यूमुलेट होता है वो टियर वन अकाउंट में ही होता है, और ये मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको एनपीएस में जाना है तो टियर वन अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न टियर टू अकाउंट का है, वो ऑप्शनल है, आप उसमें आप टेम्परेरी सेविंग कर जमा कर सकते हैं, आप उसमें से जब चाहें तब निकाल सकते हैं, आप चाहें तो टीयर टू में से टीयर वन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप टीयर टू अकाउंट को पार्किंग अकाउंट कह सकते हैं कि आप टेम्परेरीली वहां पैसा पार्क कर सकते हैं, परंतु आप टीयर वन में से टीयर टू अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जहां तक टैक्स बेनिफिट की बात है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको टीयर टू अकाउंट में ATC में डिडक्शन मिलता है, परंतु वो 3 साल का लॉक इन होता है। बाकी जो जनरल टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है वो टीयर वन अकाउंट के लिए है, वो जो ATCCD में जो वन में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं
और वो ATCCE में लिमिट है, ATC, ATCCC और ATCCD1 1.5 लाख रुपया, जो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट है ATCCD1B में 50,000 का, मतलब वो आप ओवर एंड अबव जो 1.5 लाख रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, आप इसके अगर NPS में डालेंगे तो ही वो 50,000 मिलेगा। जो बाकी 1.5 लाख के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जो ATCCD1B का जो बेनिफिट है वो NPS 1 में डालने पे ही मिलेगा। ओके, सो एक एक्सक्लूसिवली 50,000 की छूट आपको मिल सकती है, पर आप जब 1.5 लाख वाली 80 से एग्जॉस्ट कर लेंगे उसके बाद आप जो NPS में निवेश कर रहे होंगे अगर, तो आपको वो एक एक्सक्लूसिव छूट 50,000 तक की मिल सकती है यहाँ पर, राइट। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं जिसमें टैक्स से जुड़ा भी एक सवाल है बलवंत सर, इसलिए ये लेना ज़रूरी है ताकि आप, प्रदीप चौहान का सवाल है पानीपत से, और पूछ रहे हैं कि मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूँ, टैक्स सेविंग के लिए 5 साल से 50,000 रुपये NPS में निवेश कर रहा था, अब मैंने टैक्स की नई रिजीम चुन ली है तो मुझे क्या करना होगा। बहुत नई रिजीम को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे अब्सॉर्ब्स दिए हैं, और प्रदीप जो है वो नई रिजीम में अब टैक्स अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो इन्हें क्या करना चाहिए आप? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना रिटायरमेंट सुधारना है और आप रेगुलर सेवर नहीं है, मतलब आप अगर अपने आप से सेव कर पाते हैं और तो आपके पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, पर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ फोर्स आ जाएगा, जबरदस्ती आ जाए तो ही मैं सेव कर सकता हूं, तो आपको NPS का जो आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो करना चाहिए। मतलब यहाँ इंडिया में क्या है प्रियंका, लोग जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ टैक्स के नज़रिए से करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपका जो सेविंग करने का पर्पज है वो कोई पर्टिकुलर गोल से लिंक होना चाहिए, और NPS में सेविंग करने का जो पर्पज है वो आपका रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो जाए तो आप निवेश करिए, और जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज जो NPS के तो रूल है वो हर थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे सब लोगों की ग्रीवेंस है कि ये एन्यूटी में 40% क्यों बांध के रखा है, हो सकता है गवर्नमेंट उसको लिबरलाइज कर दे और मल्टी 40 जो है उसको बदल भी सकते हैं, तो मल्टी प्रोडक्ट ऑप्शन दे दे। तो आपको आज जो टैक्स रूल है वो जरूरी नहीं है आप रिटायर होंगे या आप सुपर एन्यूट करेंगे तब लागू होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको NPS में अपना निवेश लागू जारी रखना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा कि पहले भी बलवंत सर ने इसी कॉन्वर्सेशन में समझाया कि अगर आपने कहीं भी अपने रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए कोई बजट नहीं की तो ये NPS आपकी मदद करेगा, जस्ट बिकॉज आपको टैक्स छूट नहीं मिल रही है इस पर तो इसे डिसकंटिन्यू करने में कोई समझदारी नहीं होगी। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग देखिए, अपने गोल देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। अंतिमा जैन कोटा से पूछ रहा है कि मैं NPS में 7 साल से 5,000 रुपये प्रति महीने निवेश कर रही हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर इस निवेश में से कब और कितने पैसे निकाले जा सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल बेसिकली NPS से, ये अलाउड है बलवंत सर और निकाल पाएंगे ये? ये देखिए प्रियंका, जब स्कीम NPS जो शुरू हुई तब ये बीच में विड्रॉल का ऑप्शन नहीं था, तो वो थोड़ा पी जो प्रोविडेंट फंड को कंपेयर करते हुए थोड़ा डिसएडवेंटेजियस था, तो PFRDA ने ग्रेजुअली रूल है ना मॉडिफाई किए हैं। तो आप अगर NPS अकाउंट में 3 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल के लिए जा सकते हैं, आपका जितना एक्यूमुलेट हुआ है उसका मैक्सिमम 25% विड्रॉ कर सकते हैं, और सुपर एन्यूएशन के पहले सिर्फ 3 बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है। और ये अब जो पार्शियल विड्रॉल है आप चाहे जैसे जो पर्पज के लिए नहीं कर सकते, जो ये जो पर्पजेज हैं वो ब्रॉडली प्रोविडेंट फंड के विड्रॉल के साथ में ही अलाइंड है, मतलब आपके बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, आपका कोई घर बनवाना है या होम लोन का रीपेमेंट करना है, या आपके घर में फैमिली मेंबर की कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, तो उन पर्पज के लिए आप ये NPS में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही रूल्स दिख रहे हैं जो कि PF के लिए अगर कोई पार्शली विड्रॉ करना चाहता है, सर ने अभी कहा भी PF वाले ही रूल्स हैं, आप बिल्कुल अंतिमा जो है पार्शल विड्रॉल कर सकती हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। और देखिए अभी जवाब भी ये भी मिल गया बलवंत सर की, जब शुरू हुआ था तो बहुत रिजिड था, इसमें
में पार्शियल विड्रॉल और इन सारे ये प्रोविजंस नहीं थे, इसमें ऐड किया गया, राइट? तो हमको लगता है इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी चीजें ऐड कर सकती है सरकार। आप वो एक चीज जो इसमें ऐड होते हुए देखना चाहेंगे बलवंत सर, और इसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को हम खत्म करेंगे। मैंने बता दिया ना कि जो रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है, जो 40% मेरे को मैंडेटरीली एन्यूटी खरीदनी पड़ती है, वो रूल को थोड़ा ट्विक करने की जरूरत है। और मल्टी प्रोडक्ट जो है वो अलाउ होना चाहिए, मतलब आप रूल लगा दीजिए, लॉक इन लगा दीजिए कि आप ये पैसा मतलब लमसम नहीं निकाल सकते, पर जो एन्यूटी जैसी लो रिटर्न प्रोडक्ट की जगह जैसे इंडेक्स फंड में आप निवेश करें। और चूंकि रिटायरमेंट का पीरियड भी प्रियंका 20-25 साल चलता है, 60 में रिटायर होते हैं, 85 के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो 25 साल में अगर आप इक्विटी इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं माना जाता, क्योंकि ओवर लॉन्ग टर्म आपको जो इक्विटी प्रोडक्ट है वो बेटर और दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर रिटर्न देते हैं, और वो सब्सक्राइबर के भी इंटरेस्ट में है। ओके, सो 40% जो हमें डालना होता है एन्युटी में, उसकी जगह कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी जो है बलवंत सर को लग रहा है अगर वो कर दी जाए तो एनपीएस और अट्रैक्टिव बन जाएगा, लोग इसकी तरफ आएंगे। अभी भी एनपीएस एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपने रिटायरमेंट के लिए कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन खटका है कि जब आप रिटायर होंगे तो केवल 60% ही उसका लमसम निकाल पाते हैं टैक्स फ्री। थैंक यू सो मच बलवंत जी, आज आपने वक्त निकाला 19 के लिए, फिर होती है मुलाकात, आज के लिए धन्यवाद आपका। तो इंश्योरेंस सेंट्रल में हम आपसे इजाज़त लेंगे। वैसे अगर बीमा या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो भेजिए अपने सवाल हमारे पास। अगर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसमें इंश्योरेंस लिख दीजिएगा और उसके बाद अपनी पूरी बात रखिएगा। सवाल में आप जितनी जानकारी हमें देंगे हम उतने अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आप इंश्योरेंस लिख कर सवाल अपने व्हाट्सएप कीजिए 9311 21874 पर, या ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप ट्विटर फेसबुक के जरिए भी money9 के साथ जुड़ सकते हैं। इंश्योरेंस सेंटर में आज मैं आपसे यही इजाजत ले रही हूँ, बाय बाय।